बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग कंटेंट्सर पक्ष के बदरुल आलम सबा के स्वागत जाची आज के ट्यूटोरियले। आज के अपन सामने आलोचना करब ऑप्टिमल एल्गोरिदम सम्पर्क। ऑप्टिमल एल्गोरिदम ऑपरेटिंग सिस्टम एक अंश जेखने पेज रिप्लेसमेंट कर सपोज एखे किस रेफरेंस स्ट्रिंग देवा बला आज तीनटे फ्रेम थक एक टाइम एक प्रोसेस हमारे थकबे तीनटे फ्रेमे एक ही टाइम क्ज करतेब तो सामने देखो जो क्यों ऑप्टिमल एल्गोरिदम जो एल्गोरिदम व्यवहार कर क्ज कर तर रुल्सगू क्यों क्या कर स्ट्रिंग क्यों आप फ्रेमगू सेट करब। तो प्रथम प्रथम स्ट्रिंग अच्छा ये हमें रेफारेंस स्ट्रिंग प्रथम फ्रेमटार जो देखिए क्यों प्रथम फ्रेमटा तीनटे सीज बला तीनटा तो प्रथम सेभेन एखे इन्सार्ट करब। तो सेभनर परवर्ती घरे सीमिलारलि प्रथम सेभेन ए जरोोटा नीचे इन्सार्ट करब एवं तृतीय फ्रेम इसे सेभेन जिरो एवं वन इन्सार्ट करब। एखे अलगोरिदम जो क्ज करें जो ऑप्टिमल अलगोरिदम जो अलगोरिदम जो रूल्स से हे परवर्ती जो घर एन टूटा इन्सार्ट करते हैं। प्रश्न हे हमें टू भैल्यूटा कोथाय अपडेट करब एखे सेभेन आसे जिरो आसे एवं वन आसे ऑप्टिमल अलगोरिदम व्यवहार कर देखते हैं जो कौन जगहटे हमें ये यूज करते पारतेछि। तो ऑप्टिमल अलगोरिदम जो ख्याल करे सेटा हे जो रेफारेंस जो भैल्यूटा रेफारेंस भैल्यूटा के से देखे। सो हमें एखे देखो जो रेफारेंस परवर्ती रेफारेंस स्ट्रिंगगला यटार साथ मिलाब। तो ये हमारे आज सेभेन जिरो एवं वन तो देखो जो सेभेन परवर्ती कोथाय आसे परवर्ती रेफारेंस स्ट्रिंग देखल अनेक पड़े आसे जिरो एवं वन आसाची। तो हमें कि करब सेभनर जैगाते परवर्ती टू भैल्यूटा इन्सार्ट करब। तो सेभनर जैगा टू भैल्यूटे अपडेट हलो बाकी भैल्यूगला ठीक ही थकल एवं परवर्ती परवर्ती फ्रेमे इसे हमें देखल थ्री अपडेट करते हैं। तो जो हमें थ्री अपडेट करब तक हमार आगे फ्रेमे चेक करब जो भैल्यू आसे कौनगुला टू आसे जिरो आसे एवं वन आसे। तो परवर्ती रेफारेंस स्ट्रिंग देखो जो मोस्ट रिसेंटलि कौन आसे हमार मोस्ट रिसेंटलि जिरो आसे मोस्ट रिसेंटलि टू आसे ताहले आमरा वनर ये जायगाते जिरो तीन तीनटा अपडेट करब। तो सिमिलारलि टूटा बसाल जिरो बसालम ए थ्रीटा वनर जैगे अपडेट कर लाण हे टू ए जिरोटा मोस्ट रिसेंटलि यूज हो थ्री आगे। सो हमें वनर आगे सो हमें ये थ्री इन्सार्ट कर परवर्ती फ्रेमे इसे देखल जिरो आसे तो जिरो भैल्यूटा ये आगे फ्रेमे अलरेडी आसे सो हमें ये करब ना हमें परवर्ती फ्रेमर जो चले जाब परवर्ती फ्रेमे ये देखल फोर आसे। तो हमें देखो जो ये फोरटा के इन्सार्ट करते आपडेट करते हैं फ्रेमे तो हमें देखो जो हमार पूर्ववर्ती फ्रेमे को भैल्यू आसे रेफारेंस स्ट्रिंगगुल कोथाय। तो देखल एखे टू आसे जिरो आसे थ्री आसे परवर्ती देखल मोस्ट रिसेंटलि टू ए थ्री आसे सो जिरो तर परवर्ती। तो हमें एपडेट करब जो जिरो जेखने आखने फोर भैल्यूटा अपडेट करब। सो दुई जेहेतु रिसेंटलि आसे तो दुई दिलाम एखे तरपर हे जिरो जेहेतु पड़े से चार्टे अपडेट कर लम तीन आगे जैगाते बसा दिल देखल परवर्ती स्ट्रिंग आसे टू ये हमार गत फ्रेमे आसे सो ये हमें यूज करब ना तर परवर्ती फ्रेम देखल रेफारेंस स्ट्रिंग देखल थ्री से देखल पूर्ववर्ती फ्रेमे आसे सो यटार जो हमें ये अपडेट करब ना एखे थ्री आसे टू आसे सो एखार जिरो आसे जिरो फ्रेमर जो अपडेट करते हैं तक हमें देखो जो हमार पूर्ववर्ती कलमे पूर्ववर्ती फ्रेमे को भैल्यूगला आसे रेफारेंस स्ट्रिंगगू केम। तो हमारे जिरो अपडेट करते हैं पूर्ववर्ती देखल टू फोर ए थ्री देखल रिसेंटलि थ्री आसे जिरो आसे टू आसे फोर और नाइन सो एखे और कौ फोर नाइन सो हमें खूब सहजे फोर जैगाते भैल्यूट अपडेट करब जिरोट फोर जैगाते अपडेट है ये ये भैल्यूट अपडेट हलो आगेगुल ठीक ही थकल परवर्ती रेफारेंस स्ट्रिंग देखल थ्री ए थ्रीटा देखल जो हमारे जो आगे कलम ये कलम आसे फ्रेमटाते आसे सो हमें ये निब ना जिरो ये आसे सो थ्रीटाओ ये आसे हमें चले जाब सरि थ्री ये आसे जिरो आसे
এবং টু এখানে আছে। সো আমরা চলে গেলাম পরবর্তী স্ট্রিংয়ে, পরবর্তী রেফারেন্স স্ট্রিংয়ে। এখানে এসে দেখলাম যে ওয়ান আমাকে আপডেট করতে হবে, আবার আমি দেখবো যে কোনটা আমার রিসেন্টলি আছে। তো এখানে আমি থ্রি দেখবো যে আমার পরবর্তীতে থ্রি কোথাও নাই। সো আমি এখানে থ্রির জায়গাতে আমি ভ্যালুটা আপডেট করবো, 2-0, এবং থ্রির জায়গাতে ওয়ানটা আপডেট করলাম। এবং পরবর্তীতে দেখলাম যে পরবর্তী স্ট্রিংটা হচ্ছে টু, এবং টুটা আমার গত ফ্রেমে আছে। সো আমি এটাতে নিবো না, 0 আছে, 1 আছে। তো এই 7-এর জন্য আমাকে আরেকটা ফ্রেম নিতে হবে। 7-টা দেখবো যে আমি কোথায় আপডেট হবে। আমার এখানে 0, 1 এবং 2 আছে। তো দেখলাম যে আমার পরবর্তী, এখান থেকে আমার যে পরবর্তী রেফারেন্স স্ট্রিং সেখানে কোথাও 2 নাই। তো আমরা খুব সহজে বুঝতে পারলাম যে এখন 2-এর জায়গাতে 7-টাকে আপডেট করবো। তো এই ছিল অপটিমাল অ্যালগোরিদমের টিউটোরিয়াল। আশা করছি আপনারা এটা বুঝতে পারছেন এবং এ অনুযায়ী এটাকে করতে পরবর্তীতে করতে পারবেন। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আমি মোহাম্মদ বদরুল আলম, পরবর্তীতে আবার দেখা হবে অন্য কোনো টিউটোরিয়ালে। ততদিন প্রোগ্রামিং কন্টেন্টসের সাথেই থাকুন, ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।